सावन का पहला दिन है, लोग रिमझिम फुहारों का मजा ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में दिखाएंगे कैसे बारिश से लोग बेहाल हो चुके हैं, बारिश कैसे मरीजों की परेशानी बन रही है, जिम्मेदारों की लापरवाही से एक शहर का जिला अस्पताल स्विमिंग पूल बन चुका है, आईसीयू में बेड पर मशीन है और वार्ड में पानी, यही नहीं एक और शहर में बस्तियों में नाले का पानी घुस चुका है, खुद पार्षद भी अपने घर में घुसे पानी का रोना रो रही है, कहां ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं और घर समंदर, बदहाली की यह तस्वीर भी होगी। आखिर किसकी लापरवाही पड़ रही है भारी, ग्राउंड जीरो में करेंगे पड़ताल। तो सबसे पहले बात राजनांदगांव की, राजनांदगांव की हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, अस्पताल में मरीजों को आना तो है, उन्हें तैरना आना चाहिए अगर उन्हें आना है तो, यही नहीं अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती हो गया तो उसे अपने साथ लाइफ जैकेट लाना पड़ेगा। चौंकिए मत, राजनांदगांव का जिला अस्पताल हर साल बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है, आईसीयू टापू में तब्दील हो जाता है, आईसीयू में घुटनों तक पानी भर गया, सोचिए जरा आईसीयू के मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हालात ऐसे बने हैं कि मरीजों को फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करना पड़ा, बेड पर मशीन रखी हुई है, आखिर किसकी लापरवाही है मरीजों की परेशानी बन रही है, ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश यादव ने, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं, और डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं वो भी आइए सुनते हैं। ये तेज बारिश होने से, एक दो घंटे की बारिश होने से ये नौबत हर साल आ जाती है, इस साल भी ग्राउंड फ्लोर के सभी वार्डों में पानी भर गया था, मेल फीमेल वार्ड को छोड़कर, तो इसके लिए हमने जो वार्ड में पानी भरा था वहाँ के पेशेंट को और सारे जो वहाँ के सामान हैं, बेड बिस्तर इक्विपमेंट को हमने ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। प्रत्येक वर्ष बारिश में जिला अस्पताल जलमग्न हो जाता है और जिला अस्पताल में अभी भी देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, और आपको बता दें कि अब मरीजों को और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक घंटे की बारिश में ही जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो जाता है, और जहां महिला वार्ड है, पुरुष वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, यहां तक घुटनों तक यहां पानी भरा रहता है, और स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी भी भयावह है, और पानी निकालने का प्रयास जिला अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, अगर ये बारिश लगातार ऐसे ही एक से डेढ़ घंटे होती रही और बारिश तेज हुई तो जिला अस्पताल में फिर एक बार मरीजों को परेशानी उठाना पड़ सकता है। राकेश यादव, न्यूज 18, राजनांदगांव। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, समंदर बना हुआ है अस्पताल, ये कोई पहली बार तस्वीर नहीं है, हर साल यही हालात बने रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी परेशानी का कोई हल नहीं होता, हल तो होगा ना, पर हमेशा स्थिति जस की तस रहती है, आखिर क्या कह रहे हैं जिम्मेदार, क्यों ऐसे हालात हैं, और वो भी अस्पतालों के जहां पर मरीजों का इलाज चलता है, ऐसे पानी का भराव रहेगा तो और बीमारियां फैलेंगी। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि ऐसे पानी का भराव जो रहेगा उससे बीमारियां फैलेंगी, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं पिछले 15 सालों से यही रटा रटा है जो आप दे रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा, चीज़ें ठीक की जाएंगी, लेकिन हर वर्ष बारिश में जल भरा होता है और जिला अस्पताल जलमग्न हो जाता है। आप विजुअल में या वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जिला अस्पताल में पानी भरा रहता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, और 3.5 करोड़ रुपए इस वर्ष खर्च किए गए हैं जिला अस्पताल को चौक चौबंद करने में, चमकाने में, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के लिए नहीं ध्यान दिया गया है, जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं किया गया है, स्थिति जस की तस बनी हुई है, और पानी शहर में लगभग 1 घंटे की बारिश भी होती है तो जिला अस्पताल जलमग्न हो जाता है। मेरे साथ कई युवा मौजूद हैं, परिजन भी मौजूद हैं मरीजों के, जो जिनसे बात करेंगे क्या कहेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, 2 दिन पहले यहाँ घुटने तक के पानी भरा हुआ था, जैसे कि हमारे वर्तमान अभी जो यहाँ के विधायक है डॉक्टर रमन सिंह जी, स्पीकर छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने मतलब लगातार पिछले जब वो 15 साल से यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने तरफ से, बहुत सुविधाएं दी, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है, यहाँ के जो अधिकारी है, उनका ये जो सुस्तीपन है ना कार्य को लेकर, उन मतलब ये दिखाता है, दर्शाता है कि आगे वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आप जिला अस्पताल से बात करते हैं? ये हमारे जिला राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, और मेरे को तो लगता है कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो ही जिम्मेदार हैं,
साफ सफाई वगैरह, नाले में कचरा भर जाना, ये वगैरह बहुत सुस्ती है हमारे जिले प्रशासन के लिए। क्या कहेंगे आप? नगर निगम की तो पूर्ण लापरवाही है कि यहाँ की महापौर और वार्ड के पार्षद कहीं ना कहीं उनकी इतनी बेरुखी है जिला हॉस्पिटल से। दिन प्रतिदिन हजारों यहाँ पर मरीज और उनके परिजन आते हैं, बट यहाँ तो मैं बोलता हूँ महापौर निधि से और पार्षद निधि से उनको नाम देना चाहिए। जी, बारिश के पूर्व जो जलभराव होता है इसके लिए कोई निराकरण नहीं करना, फंड होने के बावजूद यहाँ की जो जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं देना, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बारिश के पूर्व कोई भी तैयारी नहीं होना, इसलिए जलभराव काफी हो जाता है। जहां पर इलाज के लिए पहुंचते मरीज वहां पर ही उन्हें बीमारी मिल जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जबलपुर की। कुछ घंटों की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में नाले का गंदा पानी घुसने लगा है और लोग परेशान हैं। आधारताल इलाके के महाराजपुर में सड़कें नजर नहीं आ रही, घुटनों तक पानी भरा है, लोगों के घरों में पानी है, गृहस्थी का सामान भीग रहा है। महाराणा प्रताप वार्ड में जलभराव से हालात खराब हो चुके हैं। पार्षद इस स्थिति के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जलभराव की स्थिति जबलपुर में, पवन आखिर कैसे हालात बने हुए हैं? लगातार तमाम तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा। वादे तो कई होते हैं चुनाव के समय पर वो वादे सिर्फ कागजों पर होते हैं, ऐसा लगता है पूरे नहीं होते, तभी जमीनी हकीकत ये है। इस वक्त हम जबलपुर के भूकंप कॉलोनी में है जो धनवंतरी नगर और महाराणा प्रताप वार्ड के बीच में है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह बारिश हुई थी तकरीबन 11 बजे, मौसम साफ हुआ, धूप निकली, लेकिन इन कॉलोनियों में भरा हुआ पानी अभी भी भरा हुआ है। भाई साहब, ये जो पानी भरा हुआ है, क्या ये हर बार इसी तरह की स्थिति रहती है? ये सर हर साल की समस्या है पानी भरने की, पानी निकासी ज़्यादा है नहीं है, लोग बाग और बच्चे लोग स्कूलों वालों को सबको परेशानी जाती है यहाँ पर। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष नज़ारा है, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी समझ सकते हैं कि किस तरह की समस्या है। जो परेशानी होती है लोगों को उसका मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें हम लगातार पवन देख रहे हैं कि कितने हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जलभराव की समस्या लगातार बढ़ रही है। वही है, नगर निगम के पोल हमेशा ही खुलती है, दावे हमेशा होते हैं पर सिर्फ कागजों पर, वाकई में हकीकत में नहीं। हेलो, फोन फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए लोगों के घरों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। पवन लगातार जुड़े हैं। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, बद से बदतर हालात हो चुके हैं और हर साल यही परेशानियां होती हैं। बिल्कुल, जबलपुर में अगर तस्वीरों की बात की जाए तो हर बार यही तस्वीरें सामने आती हैं और लोगों की यही समस्या, जिस पर हम हर बार चर्चा करते हैं, जिम्मेदार इस पर दावे करते हैं कि हम समस्या का समाधान करेंगे। इस वक्त मैं जबलपुर शहर के बीचों बीच एक कॉलोनी में मौजूद हूं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें ये पानी भरा हुआ है जिसे मोटर लगा करके बाहर निकाला जा रहा है। ये नाली जो है, नाली की तस्वीरें मैं भी दिखाऊंगा कि ये नाली किस तरह से गंदगी से अटी पड़ी है और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है और पानी की निकासी नहीं हो पाती है। यानी नगर निगम द्वारा जो दावे किए जाते हैं साफ सफाई के, वो दावे खोखले होते हैं। भाई साहब, ये जो तस्वीर है, ये पूरा जो जगह थी यहाँ पर क्या रखा हुआ था और कैसे ये पानी भर गया? ये हमारे घर का सामान है और क्योंकि ये नाली अभी बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नगर निगम ने जो भी लापरवाही करी हो तो नाली का सारा पानी बह के हमारे यहाँ पर भर चुका है। और तो और जब हमने उनको अप्रोच किया कि हमें आप पंप भेजिए, किसी प्रकार की सहायता भेजिए, तो वो भेजने में भी असफल रहे। तो ये तस्वीर सिर्फ यही है कि आसपास के और भी घरों में आप किसी भी सड़क में चले जाओ, किसी भी रोड में देख लो, सारी नालियाँ नाले सेम कंडीशन में। तो ये हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, शहर के संभ्रांत लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर बनवाए, लेकिन जो जिम्मेदार हैं नगर निगम प्रशासन और जो पार्षद हैं यहाँ के, जो विधायक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समुचित व्यवस्थाएं दी जाएं, जल निकासी, पानी, बिजली, सड़क, ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिसके लिए वो टैक्स भी लेते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा परेशानी बढ़ रही है लोगों की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए।
अब हाल आपको दिखाते हैं सिवनी का। सिवनी के छपारा में खुद पार्षद अपने घर में घुसे पानी से परेशान है। सोचिए हालात ऐसे हैं तो आम लोगों का क्या होगा। बारिश ने छपरा नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। लोग परेशान हैं, जिन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। महाराणा प्रताप, ये वार्ड क्रमांक 12 है, जहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलोनी, हाईवे कॉलोनी और परेश कॉलोनी और हनुमान कॉलोनी, ये चार पांच और जामा मस्जिद की कॉलोनियाँ आती हैं। यहाँ हर साल पानी भरने की समस्या है और इसके लिए मेरे द्वारा कई बार प्रस्ताव भी दिया गया कि पानी निकासी की जगह नहीं है वार्ड में, इस पर ध्यान दिया जाए, पर अभी तक परिषद की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे घर में पानी भरा है और सिर्फ मेरे नहीं, पूरी कॉलोनी की यही स्थिति है इस समय पे। कल इंजीनियर को बुलाते हैं, इसके निवारण के लिए बैठ कर के परिषद में एकत्रित होकर के इसके लिए जल्द से जल्द और ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं ये निवारण निकाल लेंगे। तस्वीरें आप सिवनी की देख रहे थे, ज्यादा जानकारी भी लेंगे। अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पार्षद साहिबा के घर भी हम देख रहे थे कि कैसे पानी से हाहाकार वहां पर भी मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सिवनी जिले में लगभग 200 घंटे के ऊपर से पानी का जो और रुक रुक के जारी है। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जो खासकर जिले की प्रमुख वैनगंगा नदी है वो भी उफान पर चल रही है। लिहाजा पानी के जो नदी पर बनाया गया जिस और बांध है उसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब इस जो बांध है उसका क्षमता के अनुसार 518 मीटर यहाँ पर पानी रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लगातार बारिश की वजह से नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से जो बांध है उसकी 5 गेट खोल दिए गए, करीब 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बात अगर छपारा जनपद नगर पंचायत अंतर्गत जो कॉलोनी है जहाँ पर पानी भरने की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यही हालात लगातार बने हुए हैं। खासकर जो नगर परिषद का प्रशासन है उसके द्वारा कोई नगर जमीनी स्तर पर कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए, बावजूद इसके जो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उनके घर पर भी ये पानी घुस गया, लेकिन अभी भी फिलहाल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए अजहर। इसी के साथ ही